ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। पानी कोई नहीं जाता थले पैरों के पिछले लोगों क्योंकि नमाज पढ़नी होती है छिट्टा पैदा ने पर नाले बगते हैं सब कुछ होता पानी जरा ना जाता ही नहीं किसी पास किसी पास नहीं जाता पानी इतों खासकर जमादार नीचे जो होती है ना नीचे नालियों की सफाई वो बिल्कुल ही नहीं आते नाली की सफाई वाले बिल्कुल नहीं आते। पिछले 5 सालों में भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं हो रहा और आइंदा भी आइंदा 5 साल या पिछले 30 सालों में कुछ नहीं हुआ वो तो वजह है और ये जो नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत इतने सालों से है उनका अपना इलाका है ये हमजा शहबाज का इलाका है इसमें यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं आई पहले भी जो है ये ऐसे ही बस जो है चले जाते हैं मुड़के वर्दे ही नहीं थे गरीब आदमी का की हाल है की हाल नहीं हुआ वोट लैन आ जाते थे 5 साल पहले एक दफ़ा वोट लेने जब एक दफ़ा आया था उसके बाद वो नहीं आते उन्हें कोई गर्ज नहीं है कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी उन्हें कोई पता नहीं है कि मुल्क में क्या और क्या नहीं अपने आप वो लूट मार कर रहे हैं और लूट रहे हैं मुल्क को। यहाँ जो खस्ता प्लाजे हैं जो गिरने वाली इमारतें हैं उनका इतने बड़े बड़े प्लाजे कैसे बनने दे रहे हैं आप लोग यार बनने दे रहे हैं वो लोग पैसे देते हैं रिश्वत भी चलती है सारे इदारे तो बिके हुए हैं। आप मायूसी ये देखें मेरे मेरे पाकिस्तानों की मायूसी ये देख लें कि वो ये वो इलाका है जहाँ से 3 दफ़ा वज़ीर आज़म 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब फिर 1 दफ़ा 32 साल की हुकूमत 32 बादशाहत और यहाँ हाल सिर्फ देख लें कि इनकी हालत जिंदगी बदल सके बुरा हालत जिंदगी बदल दी इनकी उनकी हालत तो बदल गई जिन्होंने 30 साल यहाँ पर हुकूमत की। केस क्या है इस वक्त केस क्या है और ये सारा क्रेडिट जो है अली अकबर कुरैशी साहब को जाता है कि उन्होंने पूछा और इस पर डायरेक्शन दी और ऑर्डर दिए कि भाई इसे प्रिजर्व करें जैसे उन्होंने मार रोड की पुरानी तारीखी इमारतों को बहाल करने के लिए सारी इकदाम उठाए जिन्होंने लूट मार करी उनकी हालत बदल गई और जो आवाम है जिनको जो बाहर चले गए इंग्लैंड चले गए बच्चे बाहर पढ़ना बाहर इलाज बाहर जिस आवाम को लूट रहे हैं उनकी हालत नहीं बदली वो उन्होंने अपनी हालत बदल ली इस तरह ही है जी। हाँ जी बिल्कुल सही है इतों जिन्हें कौंसलर के गए पैसा लैन देने उतो हुकूमत को पैसे वे बंद पर उस तरह को पैसा लैन देने इतने आकर पैसा खाई देने मुड़के कोई काम नहीं होता। ये था अजहर साहब को क्रेडिट जाता है 2013 में इन्होंने ये पिटीशन फाइल की कि अंदरून शहर में जो तरीही इमारतें हैं उनको महफूज किया जाए उस पर चीफ जस्टिस साबिक मंसूर अली शाह साहब ने काफ़ी ज़्यादा हेयरिंग्स की ऑर्डर भी कर दिए अमल नहीं हुआ तो 2014 से जस्टिस अली अकबर कुरैशी इस केस की समाअत कर रहे हैं अब रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है लेकिन DG वाल सिटी अथॉरिटी कामरान लिखारी इस इलाके को इन तरीही इमारतों को बदलने में संजीदा नज़र नहीं आते क्योंकि पिछले 5 साल से उन्होंने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। अजहर साहब अदालत में चीख चीख कर थक गए कि आप अदालती हुक्म पर अमल करें और तरीही इमारतों को महफूज करें। यहाँ पर जब बारिशें होती हैं तो खस्ता हाल जो घर हैं उनकी छतें गिर जाती हैं तो जब अदालत ने ये कहा कि अभी तक अपने घर क्यों तमीर नहीं किए तो उन्होंने फंड कर रोना शुरू कर दिया तो साथ ये भी कह दिया कि हम इसलिए पैसे नहीं लगा रहे कि हमें नैब का खौफ है तो जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने सख्त एक्शन लिया जिसके बाद अब तक 24 खस्ताहाल घरों की मरम्मत हो चुकी है 20 घरों की मरम्मत पर काम जारी है और ये जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब देखें जी सूरत हाल ये अभी मेन पे हैं ये सूरत हाल दिखाएं ये मेन पे अभी हम अंदरूनी गलियों में नहीं गए ये अभी मेन पे हम तो यहाँ की ये सूरत हाल अच्छा जी तो अब जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने फिर 2 दिन का वक्त दिया है और ये कहा है कि जितने भी लाहौर की वॉल सिटी के अंदर तारीखी इमारतें हैं गैर कानूनी जो प्लाजे बन रहे हैं वहाँ पर उनको फौरी तौर पे उनको बंद करके तो रिपोर्ट पेश की जाए तो हर मरतबा रिपोर्ट तो पेश की जाती है कि मेरे ख्याल बोर्ड शोर्ड बनते हैं यहाँ पर ये देखिए मशीनें लगी हुई हैं बड़ी हैवी आप सिर्फ यही देखें मकसद नहीं किसी प्रकार कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है ये तो बहुत ज्यादा है इधर ये यही वो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ बहुत ज्यादा है जी और DG कामरान लिशारी साहब वो ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि जनाब वो तो फाटा है तो हम तो उधर नहीं जा सकते वो तो बड़ा मसला है उधर तो भाई अगर फाटा है तो फिर आपको तनख्वाह किस चीज़ की मिल रही है इसी चीज़ की मिल रही है कि आपने तारीखी इमारतों का तहफ्फुज़ करना है गैर कानूनी तमीरात यहाँ पर नहीं होने देनी आप एक और इदारे के डायरेक्टर जनरल हैं आपके पास पावर है लेकिन कैमरामैन साहब अगर दिखा सके गोदाम बने हुए हैं यहाँ तो प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी है और बड़ी शिद्दत से ये आप देख सकते हैं जी और ये देखें आग लगेगी तो क्या बनेगा कोई यहाँ पर रेस्क्यू करने का इंतजाम नहीं है और फिर कीमती जाने जाया होती हैं तो यही वो काम थे यही वो कमर्शियल एक्टिविटी अपने पीक पे है तो कैसे प्रिजर्व करेंगे एक जरा और बात ये मशीनें जब चलती हैं तो इनके झटकों से मुझे सिर्फ ये बता दें यहाँ कोई एम्बुलेंस आ सकती है मुझे सिर्फ इतना समझा दें कल खुदा ना खासा इस एरिए में कोई आग लग जाए या ऐसी कोई बात हो जाए और
रेस्क्यू ने पहुंचना हो। मेन चौक है जी, ये मेन देखें, ये गंदगी के ढेर है मेन पे, लोहारी गेट की कर रहे हैं। आप सिर्फ यही अंदाजा लगा लें कि क्या जो वॉल सिटी का जो अथॉरिटी बनाने का मकसद था वो पूरा हो गया। हालात तो ये बता रहे हैं कि आपने पैसे बनाए, प्लाजे बन गए, फंड भी आते हैं तरही इमारतों को बहाल करने के लिए, वो फंड किधर जाते हैं उसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ। आज जब समाप्त हुई आपने पूछा अब तक फंड कितने आए हैं बैरून मुल्क से? मैंने वादा एक काम और किया था, हमने जब मेट्रो का हेरिटेज के हवाले से हम गए थे ना तो पैसे नहीं थे, तो बाकायदा 10 करोड़ मुख्तस कराए गए थे कि इस तारीखी विरासत को या इन एरियाज को प्रिजर्व करना है। ये क्या है जी, ये क्या है, ये ढेर किस चीज का? जाती उमरा की ग्राउंड है, ढेर इतना बड़ा ढेर, ये किस चीज का ढेर है जी? ग्राउंड है जाती, ये कोई इमारत गिरी है या गिराई गई है? दिखाएं जरा कैमरामैन साहब, इसका मलबा उसी तरह का उसी तरह का, और कुछ नहीं हटाया गया और इसको साफ भी नहीं किया गया, और ये किसने उठाना है? अदर साहब ये तो सारी मुद्दत हो गई है, क्या था इतने इतने मोटे मच्छर, मलबा गिरा हुआ है? हाँ जी, शुरू से ही ऐसे कितने साल हो गए, काफी साल हो गए, 25 उठाए नहीं किसी ने, ऐसे ही। अदर साहब किसने उठा रहे हैं यार, 30 साल उनकी हुकूमत के, 25 साल इसको हो गया, आप समझ रहे हैं आप इसको? ऐसे बचपन से ऐसे देखने पे मेरी 50 साल की उम्र हो गई, पिछड़ खराब हो गई, अंधेरा। किसका प्लॉट है कोई पता है, कौन लोग हैं? कर्नल की जगह है किसी के, फौज के, किसी फौज के कर्नल की जगह है ये। लाहौर का जो वॉल सिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रिजर्व किया जाए, सेव किया जाए, इसमें जो सकाफी विरसा है उसको महफूज किया जाए, और यही बर्फी बैठी बर्फी की देख दिल कर रहा गाने को, वैसे ये देखें मेन पे आप, उधर वो मलबा पड़ा है, नीचे ये गंद है, और ऊपर नान शॉप, अभी भी इश्तिहार लगे, ये देखें मेरा तो सुरजाल, मेरा तो इश्तिहारों पे आज भी है, मोहम्मद नुमान कैसर कोयर ने 124 के इलेक्शन लड़े थे, आज वही, यानी यही से अंदाजा लगा लेना कि आपने इनको बचाने के, कोई उठा के देख लें आप, रंगो रोगन देख लें, दीवारें देख लें, मैं ये नहीं, अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे सारे लोगों को जैसे भी है, लेकिन जो इसकी शक्ल बनी हुई है ना, यानी फिर आपको क्या जरूरत थी वॉल सिटी अथॉरिटी बनाने की, आपको बुनियादी तौर पर वॉल, बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है जी तारीखी इमारतों की, बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है, ये आपको दिखाते हैं इसकी, जो आप यहाँ देख सकते हैं, आप करीब आइए जरा कैमरा, यही पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज जब जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने ये सवाल उठाया कि अगर कोई बाहर से लोग आए तारों के गुच्छे भी दिखाएं और तरही इमारतें देखना चाहें तो क्या वो पैदल चलकर अंदर जाके देख सकते हैं? तो उस पर डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी खामोश रहे और अदालत के सवाल का जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत कहा सीलन है, बदबू है, इस प्रिजर्व करना तो दरकिनार, इसकी जो असल हालत थी, असल हालत वो देखें, ये तो गिरने वाला सारा, इसकी छतें गिरने वाली, यानी मेरा अपना ख्याल है कुछ थोड़ा करीब आए कैमरामैन साहब, 150 साल से पुराना ये एरिया है, जिस तरह मासूम बच्चे इधर खेल रहे हैं, बच्चों क्या हाल है आपके, इधर आए, डर नहीं लगता तुम्हें? इधर आए तो डर नहीं लगता बेटा, ये गिर भी तो सकती है, कहाँ इधर ही रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? बिलाल। आपका क्या नाम है? मोहब्बत। और आपका नाम क्या? नबील। इधर ही रहते हैं तो ये डर, इधर खेलते हैं फिर, और इधर डर नहीं आता यार, ये गिरने वाली चीजें हैं बहुत ज्यादा, इनको प्रिजर्व नहीं किया गया प्रॉपर, और ये तारों के गुच्छे, ये हालात यहाँ के देखें, और इतनी सीलन और इतनी स्मेल है यहाँ के, जो खड़े हैं वो अगर तो आदि हो चुके हैं तो सारा पठान रहता है, जो नसिया भजिया पठान, सारे छतों पे से मिट्टी आके झड़ती है, बिल्कुल डैमेज हो गई है बिल्डिंग सारी, लेकिन सर कोई कुछ भी नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है सर, ये करीबन 10-15 साल से इसी तरह कंडीशन है, मजाल है कोई आया हो, ये वाइज सिर्फ इतनी क्लासिक इमारत है, इतनी खूबसूरत बनी हुई है, जो आज आके इन्होंने विजिट किया है और ये कंडीशन आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसने अपना ये वो खोखा बना लिया है, ये दीवार लगा के इधर ईंटे रखने के लिए, मेरे कैमरामैन जरा इधर आएंगे, अगर मेरे मेरे मेरी तरफ आ जाए प्लीज, इस तरफ से दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे, ये कितना खूबसूरत है, इसको अगर फिनिशिंग हो, इसकी ताजीन और राइस प्रॉपर बहाल की जाए, कुछ दिल जले इधर अपना नाम भी लिख चुके हैं और तीर भी लगा चुके हैं दिल पे, लेकिन वो एक अलहदा दास्तान है, लेकिन यहाँ की सूरत आप देख सकते हैं, वही यही सवाल जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने किया था कि अगर कोई शख्स
लाहौर का अंदरून शहर देखना चाहे तो क्या वो पैदल चलकर देख सकता है? तो बताया गया कि वहाँ पे रश इतना ज़्यादा है, पैदल नहीं चला जा सकता। तो इसीलिए ना यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाया गया है। जी सलाम अलैकुम, मीडिया आपको कवरेज करेगा, आपको सुनाई जाएगी, जो आपको परेशानी है आप आगे बताएं सबको। बाजी जो परेशानी है बताइए। वो बिल्डिंग की परेशानी है। जी बाजी बताइए बताइए। क्योंकि ना माँ सबको पता है मजबूरी में इधर बैठी हुई है, ये लोग अकवानी है, इनके साथ बैठी हुई है, इनका माहौल अच्छा है, लेकिन क्या करें, हर रोज यहाँ पर बारिश आए ना हम लोग डरती होती है, लोग जलते से डरती है, हम कहते हैं वो आ गए, ये अल्लाह खैर ये अल्लाह है। पानी हर जगह पे ऐसा है के अस्तग़फिरुल्लाह, हम कुछ कह नहीं सकते, आप ही कुछ करें, और बिल इतना बढ़ा दिए हम क्या करें, इतनी इंतहा से इन लोगों ने क्या करें, इमरान खान आ गया, तब्दीलें आई, क्या आया, वो शेर वाला आराम से सुकून में बैठा हुआ है, सुकून से बैठा हुआ है, इसने आगे हमारी नींद ही ख़त्म कर दी, क्या करें हम, सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों की तरह मैं भी काम करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ इधर बैठी हुई, समझ आई है, मेहरबानी आप लोगों की के कुछ करेंगे तो आपके लिए दुआएं हैं, और क्या कह सकते हैं। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, यहाँ इनके जो कंस्ट्रक्शन है उसके बाद यहाँ ईंटें रख के उसे महफूज रखने की कोशिश जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा भी साबित हो सकती है। यहाँ भी आप सूरत हाल देख सकते हैं और गुच्छे देख सकते हैं यहाँ, और ये इंसानी ज़िंदगियाँ यहाँ बसती हैं, इंसान यहाँ रहते हैं, बीसियों सैकड़ों इंसान यहाँ बसते हैं और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानह हो गया, खुदा ताला माफ़ करे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।